अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो स्कूल डेटाबेस मैनेजमेंट शुरू किया था, ये एक टेबल बनाया है, ऑलरेडी मौजूद है। इस टेबल से आज हम क्यूरी बनाएंगे। व्हाट इज क्यूरी? अ क्वेरी डिस्प्लेज रिकॉर्ड एंड फील्ड फ्रॉम वन आर मोर टेबल बेस्ड ऑन क्राइटेरिया यू स्पेसिफाई। अ क्वेरी डज नॉट कंटेन एनी डेटा इटसेल्फ। एक क्यूरी डेटाबेस रिकॉर्ड सेलेक्शन की कमांडों का स्टोर किया गया सेट होता है। एक क्वेरी एक्सेस प्रोग्राम को इस बात की निशानदेही करती है कि आप कौन सा डेटा व्यू या एडिट करना चाहते हैं। इसकी बुनियाद इस क्राइटेरिया पर होती है जिसकी आप तख्सीस करते हैं। अल्फाज दीगर, क्वेरी का इस्तेमाल कुछ इस तरह है। एक क्यूरी से मुराद हकीकत में एक सवाल से ज्यादा कुछ नहीं है जो आप एक्सेस प्रोग्राम से अपना डेटा के मुतालिक पूछते हैं। एक्सेस प्रोग्राम इस तरीके से सवालत को नहीं समझ सकता जो आमतौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा आप सवाल इसकी खसूसी क्वेरी फॉर्मेट के साथ पूछ सकते हैं। एक क्वेरी का तरीकाकार फॉर्म से कदर मुख्तलिफ होता है। इससे मुराद एक दरख्वास्त है जो डेटा का सबसेट प्रोड्यूस करती है, जबकि दूसरी तरफ एक फिल्टर सिर्फ वक्ती तौर पर मखसूस डेटा को व्यू में आने से रोकता है। आज हम इस टेबल से क्वेरीज बनाना सीखेंगे कि किस तरह हम एक टेबल से क्वेरीज बनाते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट डिटेल का नाम से एक टेबल मौजूद है, इसमें आप देख सकते हैं सारे रिकॉर्ड मौजूद है। इस टेबल से हम क्वेरी बनाएंगे। क्वेरी बनाने का तरीका ये है, इस टेबल को सेलेक्ट करें, सेलेक्शन के बाद क्रिएट पे पर क्लिक करें, यहाँ पर क्वेरी डिज़ाइन इस पर क्लिक करें। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। इसके साथ ही शो डायलॉग बॉक्स, इसमें टेबल जितने भी टेबल आपने बनाए हैं यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन हमारे पास अभी सिर्फ एक ही टेबल है। इसको सेलेक्ट करें और एड पर क्लिक करें, इसके बाद क्लोज पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास ये टेबल डिटेल मौजूद है। इस टेबल में जितने भी फील्ड्स थे वो सारे यहाँ पर मौजूद है। आप इससे एक एक फील्ड को यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर सारे फील्ड यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर इस जगह पर डबल क्लिक कर दें, तमाम फील्ड सारे फील्ड सेलेक्ट हो गए। अब इस फील्ड्स को यहाँ पर ऐड करना है। सेलेक्शन के बाद फर्स्ट फील्ड नेम को क्लिक एंड ड्रैग करते जाए फील्ड नेम के अंदर इस खाने में छोड़ दें। तो ये आप देख सकते हैं कि हर एक फील्ड यहाँ पर ऐड हो गया है और इसके नीचे टेबल का नाम है। अगर आप किसी फील्ड को इस डेटा सबसेट में देखना नहीं चाहते, यानी क्यूरीज में शो नहीं करना चाहते, तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। इस चेक को हटा दें, यानी यहाँ पर इसके आप चेक मार्क को अनमार्क कर दें। लेकिन हम इस तमाम रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, तमाम फील्ड्स को। इसके बाद स्टार्टिंग है, आप इससे यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग में तरतीब दे सकते हैं, शो आर हाइड। इसके बाद क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्राइटेरिया में हम पैरामीटर क्वेरी के लिए क्राइटेरिया दे सकते हैं। पैरामीटर क्वेरी डिस्प्लेज अ डायलॉग बॉक्स दैट प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर पैरामीटर और क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग और डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड्स। पैरामीटर क्वेरी आर यूजफुल व्हेन यू फ्रीक्वेंटली नीड टू एक्सेस अ सबसेट ऑफ अ टेबल और टेबल्स। यहाँ पर क्राइटेरिया के अंदर हम इसके लिए पैरामीटर लिख सकते हैं। इस टेबल के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, यहाँ पर हम फी के अंदर लिखते हैं, क्राइटेरिया फी के लिहाज से देंगे कि जिस जिन जिन स्टूडेंट का फीस 1,000 से ज़्यादा हो, सिर्फ वो डिस्प्ले करें, बाकी डिस्प्ले ना करें। इसके बाद यहाँ पर फी भी आप क्यूरीज को रन कर सकते हैं, यहाँ पर रन पर क्लिक कर दें। ये आप फीस के लिहाज से देख सकते हैं, ये वो स्टूडेंट है जिसका फीस 1,000 से ज़्यादा है। स्टूडेंट नंबर 1 है, 2 है, इसके दरमियान 3 है, 3 नंबर वाला नहीं है, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9 नहीं है, और 10, 11, इन तमाम स्टूडेंट्स की फीस 1,000 से ज़्यादा है। अब हम वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जो जिसका फीस 1,000 से कम हो। क्राइटेरिया के नीचे यहाँ पर लिखे लेस देन 1,000 और इस क्यूरी को रन करें, तो आप देखते हैं इसका फीस 1,000 से कम है। दोबारा डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करें। इसके अलावा हम बहुत सारे यहाँ पर क्राइटेरिया लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर एड्रेस के लिहाज से देखते हैं कि जिन जिन स्टूडेंट का एड्रेस फर्स्ट किया ये हो,
इस इलाके का स्टूडेंट शो करे बाकी शो ना करे। क्राइटेरिया के अंदर हमने एड्रेस के नीचे क्राइटेरिया के अंदर सिटी ये लिख दिया और इसके बाद रन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही स्टूडेंट शो करेगा जिसका एड्रेस जो क्राइटेरिया में हमने दी हो सिर्फ वो ही शो करेगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिहाज से क्राइटेरिया बनाते हैं। एंटर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद एंटर प्रेस करें। इसके अलावा आर है, हम और क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं। अब इस क्यूरी को सेव करें, कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करें, क्यूरी का नाम दे दें। ओके कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यूरी ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो गया। इसको क्लोज कर दें। इसको रन करने का तरीका ये है कि इस पर डबल क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप पैरामीटर देख सकते हैं, एंटर पैरामीटर वैल्यू, एंटर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सिर्फ वही स्टूडेंट शो करेगा जो हमने क्राइटेरिया जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, फर्स्ट या 1001 लिखते हैं और इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। स्टूडेंट नंबर 1। इस क्वेरी को दोबारा ओपन करने के लिए तो इस पर डबल क्लिक कर दें, इसके बाद दूसरा स्टूडेंट 1005 ओके। तो इसके जरिए से हम एक एक स्टूडेंट रिकॉर्ड को अलग अलग सर्च कर सकते हैं। अगर इस क्यूरी में कुछ एडिटिंग करना हो, इसको डिजाइन व्यू में ओपन करना हो, तो इस क्यूरी पर राइट क्लिक करें और क्लिक डिजाइन व्यू, इस पर क्लिक कर दें। इस क्यूरीज में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्यूरी बना सकते हैं। क्यूरी का मतलब क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनाए गए टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाती है। इसमें खुद से डेटा नहीं है, इसमें कोई अपना डेटा मौजूद नहीं है, ये इस टेबल का सबसेट होता है। इस क्यूरी को रन करने के लिए इस पर राइट क्लिक ओपन करें या इस पर डबल क्लिक करें, तो इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करता है और नतीजे को आपके डेटा शीट व्यू में डिस्प्ले करता है। लेकिन यहाँ पर हमने पैरामीटर लगाया है, तो पैरामीटर के लिए यहाँ पर पैरामीटर यानी हमने लिखा है एंटर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दे दे, इसके बाद ओके कर दें तो सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी बना सकते हैं। इसके अलावा अब हम इस टेबल से एक और क्वेरी बनाएंगे जो कि सर्च बाय क्लास हो। तो ये टेबल मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद क्रिएट, इसके बाद डिज़ाइन पर क्लिक करें, क्यूरी डिज़ाइन, यहाँ से स्टूडेंट डिटेल टेबल ऐड करना है, इसको मैंने ऐड किया और क्लोज कर दिया। इसके बाद इस पर डबल क्लिक करना है ताकि तमाम के तमाम फील्ड सेलेक्ट हो जाए और यहाँ पर फर्स्ट फील्ड को सेलेक्ट करें, इसको यहाँ फील्ड के अंदर छोड़ दें। अब यहाँ पर क्राइटेरिया के अंदर क्लास फील्ड के नीचे यहाँ पर लिखना है एंटर क्लास। अब इस क्यूरी को रन करना है। अब यहाँ पर आप पैरामीटर देख सकते हैं एंटर क्लास, यहाँ पर हम क्लास देंगे फॉर एग्जांपल 8, इसके बाद ओके कर दें तो ये सर्च बाय क्लास है। ये आप देख सकते हैं ये तमाम स्टूडेंट 8 क्लास के हैं। इस क्यूरी को हम सेव करते हैं, जब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये प्रॉम्प्ट करती है सेव, यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। इसका मैं नेम देता हूँ सर्च बाय क्लास, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम एक टेबल से बहुत सारी क्यूरीज बना सकते हैं। ये सर्च बाय क्लास है यानी जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एंटर क्लास की ये पैरामीटर प्रॉम करती है। इसके अंदर लिखते हैं फॉर एग्जांपल 9th लिखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये सारे स्टूडेंट 9th क्लास के हैं, यानी क्लास 9 में 3 स्टूडेंट है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इस सर्च बाय क्लास को दोबारा ओपन करता हूँ, एक और क्लास देते हैं फॉर एग्जाम्पल 7th क्लास देखते हैं, सर्च करते हैं कि 7th क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट है, तो ये आप देख सकते हैं 7th क्लास में 2 स्टूडेंट है। तो इस तरह से आप सर्च क्यूरी भी बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।